आज का वीडियो है मुगल काल जहांगीर। जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका कार्यकाल जहांगीर अकबर के बाद राजगद्दी पर बैठा था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था और उसकी माता का नाम हरकाबाई हीर कुंवर। इसको आगे जाकर के नाम इसका जोधा पड़ गया और इसी को मरियम जमानी भी कहा जाने लगा। जहांगीर का दुलारू नाम शेखू था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म फतेहपुर सिकरी शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था, जिसके कारण इसका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ था। इसका भाई जहांगीर का भाई मुराद और दनियाल था, जिसको शराब पीने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी था, इसलिए इसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर को एक लड़की से प्रेम हुआ था, जिसका नाम अनारकली था। उसका आगे जाकर के नाम नादरा खान हो गया। सलीम अनारकली से शादी करना चाहा, लेकिन अकबर ने इसका विरोध किया, क्योंकि अनारकली एक नर्तकी थी, तवलची की बेटी थी। ये नाच गान करती थी, जो कि अकबर का कहना था कि एक शहंशाह नाचने वाली से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए अकबर ने अनारकली को मरवा दिया और इसका मकबरा खुद सलीम ने 1618 ईस्वी में लाहौर में स्थापित किया। जहांगीर का प्रथम विवाह मानबाई से हुआ। मानबाई के पिता का नाम अमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से सलीम का शादी हुआ। जहांगीर का शादी हुआ। मानबाई के भाई का नाम मानसिंह था और पुत्रों का नाम इससे मानबाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम खुसरो था। जहांगीर ने प्रथम युद्ध भेरावल का युद्ध हुआ था जहांगीर का, जिसमें उसका पुत्र खुसरो ने ही अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। यह विद्रोह 1608 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के विद्रोह में सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। इस सहायता के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी और खुसरो को विद्रोह के कारण जब विद्रोह किया था तो इसको दोनों आंख को अंधा कर दिया था, दोनों आंख फोड़ दिया था। जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई से एक पुत्र की प्राप्ति होता है, जिसका नाम खुर्रम है, जो मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया था। जहांगीर की तीसरी पत्नी मेहरू निशा थी। यह एक विधवा औरत थी जिसको जहांगीर ने आगे जाकर नूर जहां की उपाधि दी थी। जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे और 2 पुत्री थे। जहांगीर का गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो कि अब्दुल रहीम खाने खाना ये सलीमा बेगम का बेटा था। फिर जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखा गया था। जहांगीर ने अकबर के सबसे नजदीकी नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी थी 1602 ईस्वी में, जिसने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा अवायने अकबरी के रचयिता अबुल फजल था, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। जहांगीर ने अपने मित्र ओरछा नरेश की सहायता से 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी। इसी के कारण अकबर 3 दिन तक अपने दरबार तक नहीं किया था। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में बीमार होने के कारण भीमबार नामक स्थान पर हुआ था। जहांगीर का सहदरा, अगर पूछा जाएगा जहांगीर का सहदरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा सहदरा लाहौर में है। जहांगीर की मृत्यु जब हुआ था तो इसको सहदरा लाहौर में ही दफनाया गया था। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर
जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में राजौरी में हुआ था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।